हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मैं भी छत पे आई थी तो मैं आप लोगों को ये गमले दिखा रही यहाँ थी पर आके। जितने गमले रखे हैं गर्मी की वजह से, कुछ तो ये मुरझाने सूखने लगे हैं। जबकि ये देखिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, ऊपर से धूप ना लगे ज्यादा ये लगा रखा है। और उसमें से कुछ खाली भी पड़े हैं और किसी किसी में भी बोए भी है नए नए बीज। ये देखिए इसमें तुलसा माता हो रही है, इसमें धनिया लगी है, इसमें ये कौन से नंदनी गेंदा है, ये गेंदे लगे हैं। और यहाँ पे ये फूल है जो, फूल हाँ, है, जो इसका एक नाम छोटे क्या से है वो प्याली पता वाले फूल नहीं। के लगे हुए इतने गमले सारे। ये नंदनी की मम्मी बना के गई थी ये वाला गमला हाथ से तुलसा माता का, और ये अभी भी ये रखा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो सब यूज कर लिए जाते हैं, तसला है, बाल्टी है, सब में पौधे लगे हैं। ये भी नंदनी की मम्मी बना के गई थी, सामने ये जितने पॉट लगे हैं ये सब नंदनी की मम्मी के बनाए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सारे पौधों में ताज़ा ताज़ा पानी डालने, तो अभी मैंने ताज़ा पानी चलाया है और सारे पौधों में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है ना कि डेली इनमें खूब पानी डलता है, फिर भी ये सूखे हुए ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि इनमें बहुत दिन से पानी ना पड़ा हो। तो इनमें भर भर के बाल्टी में खूब पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी एकदम सूख गया है इनका पानी, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ शाम के टाइम पर। तो ये देखिए अब थोड़ी देर ये क्या है, ठंडे रहेंगे रात भर। और साथ ही साथ ये जो पानी फैल गया था इसको मैं तुरंत ही साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि आयान को बुखार है तो ये लोग यहाँ छमछम करने आ रहे थे। और ये है अगले दिन का वीडियो, आज है दिन सोमवार, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो नीला मेरी चोटी बनवा रही है। तो नंदनी बोल रही है कि मौसी जब भी आती हैं तो अभी मामी से चोटी बनवाती हैं, सब कहेंगे यहाँ चोटी बनवाने के लिए आती है क्या। और अभी मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन आज पानी बरस गया है काफ़ी तेज़, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। मैं कहीं जाने के लिए सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी पानी थोड़ा सा बंद हो जाए तभी मैं जाऊं, तो पानी अभी बंद हो गया है तो हम जा रहे हैं। और ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है बॉटल में, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बाहर प्यास वगैरह लगती है। और बस मैं फटाफट से मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मदारण देवी जी के मंदिर, जो यहाँ पर मैदान में ऊपर पहाड़ में, आते ही मैं जाती हूँ हमेशा दर्शन करने। आयन की तबीयत ठीक नहीं तो नहीं जा पाई, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि बारिश हुई है, तो मैं फटाफट से दर्शन करके आ जाती हूँ। और ये देखिए आज मौसम भी कितना खेल खेलने में लगा है, जब हम निकल रहे थे इतना अच्छा मौसम था, बादल हो गया था एकदम, मैंने कहा बहुत ठंडा मौसम, निकल जाते हैं जल्दी से, लेकिन रास्ते में ही धूप भी निकल आई थी। और ये देखिए आज मंडे भी है, सोमवार है, और आज आषाढ़ का महीना है तो बहुत सारे लोग खाना खाने भी आते हैं। ये देखिए बहुत भीड़ हो रही है, लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। ये देखिए पंडित जी पहचान गए, नहीं पहचाने, पहचान गए, आज तो बहुत भीड़ है ना, आज तो त्योहार है सोमवार की वजह से, और वो भी तो है आषाढ़ का सोमवार ना, खाना खाने वाले आए होंगे आज खूब। एकदम जंगल में मंदिर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल रोड आउटर में आके, लेकिन यहाँ तब भी आज इतनी भीड़ है क्योंकि एक तो आज मंडे है, दूसरा आषाढ़ का जो महीना कहते हैं ना वो चल रहा है, जिसमें सब लोग अपना खाना खाने आते हैं, एक तरह की अपनी पिकनिक मनाने आते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, कुछ ट्रैक्टर में आए होंगे, अपनी गाड़ियों में आए होंगे, भर भर के सबके बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ खाना बनाते हैं, पीछे मैदान है खूब बड़ा, वही बनाते हैं खाते हैं आराम से। और ऊपर मंदिर है, अभी हम लोग जाएंगे सीढ़ी चढ़ के, बहुत ऊपर है तो अभी हमें वहाँ जाना है, पहले अभी हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और बस यहाँ से अब ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने से पहले पहले हमने हैंडपम्प से हाथ पैर धो लिए हैं, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर एक गांव का मेला सा लगा रहता है, ये देखिए जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं, चूड़ी बिंदी चूड़ियाँ बच्चों के खिलौने हर चीज़ की ऐसी दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ से हम जाएंगे सीढ़ियों के ऊपर। हाँ नहीं नहीं बजा लो, उसमें कहा कितनी भीड़ आ रही है, कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए जैसे जो नई शादी वगैरह होती है
तो वो लोग भी आते हैं अपना यहाँ पूजा करने सबसे पहले। और ये देखिए सामान ले लेके आ रहे हैं, समझ सकते हैं कितनी दूर दूर से आए होंगे लोग। यही है, तो यही है मदारण माता मंदिर, जहाँ की मैं जब भी आती हूँ तो दर्शन करने जरूर आती हूँ। और ये महोबा के चरखारी, जो लोग जानते होंगे महोबा के पास में ही चरखारी पड़ता है, लगभग 20-22 किलोमीटर वहीं पर पड़ती है, एकदम जंगल में ही है, एकदम जंगल में है। तो बस हम ऊपर पहुँच रहे हैं, कितनी सीढ़ी है, 100 से तो ऊपर है। तो हम लोग सीढ़ियों के ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा 100 से ऊपर सीढ़ियाँ। और जब ऊपर आए हैं तो ये देखिए नए शादी के जोड़े की पूजा चल रही है। तो जब तक यहाँ पर उनका पूजा वगैरह चल रही है, तब तक हम लोग लगा लेंगे परिक्रमा, 7 या 5 जितने लगाना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं। इस मंदिर में मैं हमेशा से आती हूँ, बचपन से आती हूँ, जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। और इनके नाम से ही मदारण देवी नाम है, क्योंकि ये मैदानों की माताएँ अपने ऊपर मंदिर नहीं चाहती हैं, ऐसे खुले में ही रहती हैं हर मौसम में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, खुले में ही रहना चाहती हूँ। एकदम सेम गाड़ी ली है, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए वो दोनों लड़ते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है इनमें, एक जैसी दोनों गाड़ियां हैं। ठीक है, तो बस हमारे दर्शन हो गए, मंदिर से हम लौट के जा रहे थे, तो ये खाली रोड ही पड़ता है यहाँ जंगल वाला, तो थोड़ी देर में स्कूटी चला ले रही हूँ, क्योंकि वहां से ये चला के लाया था, मेरा मन कर रहा था इस स्कूटी को चलाने का। तो मैंने बस 7-8 किलोमीटर ही चलाई थी, उसके बाद भी चलाने लगा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जामुन के बहुत पेड़ लगे हुए हैं, जितना जंगल दिख रहा है अगल बगल रोड के, ये सारे जामुन के पेड़ हैं, जहाँ से हमने बहुत जामुन खाए हैं। तो मैं सोच रही थी यहाँ से हम जामुन लेके चलते हैं, क्योंकि ताजी ताजी जामुन मिलती है। है कि नहीं है? है, थोड़ा सही है। कैसे दे रहे हैं भैया? हाँ, सही नहीं है, मीठी तो है, वैसे लग रही पिलपिली सी। शाम का टाइम है ना, तो मोस्टली सारी बिक गई है इनकी, लेकिन थोड़ी सी फिर भी है, तो यही से तोड़ के बेचते ये लोग, इसलिए मैं ले रही हूँ। तो शाम का टाइम है इसलिए सारी जामुन इनकी ख़त्म हो गई थी, तो 1/2 kg के लगभग ये मिल गई हैं। तो मैंने कहा चलो इतनी अच्छी सही, क्योंकि ये तुरंत तुरंत बिक जाती है। हम आ गए गाड़ी लाए आपके लिए, शिवांशी के लिए। और ये अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, इनके लिए दोनों के लिए जल्दी से, मैंने वहां से मेला लगा था, ज्यादा तो कोई खिलौने नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े खिलौने भी मिल रहे हो, तो एक जैसे ही मैंने ले लिए थे दोनों के लिए, क्योंकि एक जैसी चीज़ के लिए लड़ने लगते हैं कि ये मेरा है, तो मैंने कहा ऐसे एक जैसा दिखेगा तो कहेंगे ही नहीं अब ये। और ये जो जामुन लेके आई थी वो नंदिनी धो के लाई है अभी, और बहुत टेस्टी, बहुत मीठी जामुन लग रही है, बहुत खाने, बहुत दिन के बाद मैंने जामुन खाई होंगी। और ये देखिए नंदिनी बास्केट में ही नमक मिलाने में लगी थी, पूरी जामुन में नमक बास्केट में ही मिला दिया, तोड़ दी, अलार्म लगा दिया, खा लीजिए। और ये देखिए इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं कि आके ये टूट भी गई है, ये देखिए, यही होता है 10 मिनट खेल लिया वही बहुत बड़ी बात है। हाँ ये टपक रहा है पानी, ऊपर से छेद है पन्नी में, ये टपक रहा है, टपका लगा हुआ है टपका। और अभी शाम के टाइम भी काफी बारिश हो गई है, अचानक खूब तेजी से बारिश आ गई, तो अभी अंदर आ गए सब लोग, छप्पर में पानी टपकता है, तो फैन को निकाल दिया है क्योंकि इसमें करंट आने लगता,
और ये देखिए ये नीचे टपक रहा है पानी। तो बस सब लोग यहीं अंदर छप्पर में चारपाई के ही नीचे आ गए थे, क्योंकि नीलम खिला रही थी खाना शिवांशी को, तो वो खाना लिए बैठी हुई थी। मम्मी सारे कपड़े अंदर डाल रही हैं क्योंकि ये गीले हो जाते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ छत में बैठे हैं। ये लोग खा पी रहे थे, लेकिन अचानक इतनी तेज पानी बरसा है तो यहाँ जल्दी जल्दी भागे। ये देखिए कई बार बरस चुका आज पानी, दिन में 2-3 बार बरस चुका है। और अचानक से बारिश हुई है तो ये आंगन गीला हो गया था, तो मैं इसका तुरंत पानी हटा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ फिसलने का बहुत डर रहता है। आज दिन में मैं एक बार फिसल भी चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको तुरंत ही साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर नीलम कर रही है संध्या, और आप लोग देख रहे होंगे पूजा की हलवारी के नीचे आपको माता की तस्वीर दिख रही होगी जो दीवार पे बनाई हुई है। ये हलछट माता की तस्वीर है, पहले भी आप लोग एक बार पूछ रहे थे, तो हर साल बनती है, अभी इस साल तो हुई नहीं है, अभी पिछले साल वाली बनी है ये। और उसके बाद भाई अभी लेके आए हैं समोसे, क्योंकि यहाँ के समोसे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे समोसे लगते हैं यहाँ के, तो इसलिए वो सबके लिए समोसे लाया है साथ में खट्टी मीठी चटनी के साथ में। तो नीलम सबके लिए लगा रही है समोसे, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए यहाँ के समोसे। सच में यहाँ के समोसे और गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। और ये मम्मी का मोबाइल है, पानी से पूरा भीग गया है, तो उसकी बैटरी निकाल के सुखा के रखी है, क्योंकि बैटरी पानी से भीग जाती। और वैसे कीपैड वाले ये मोबाइल आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मम्मी के पास यही वाला है, पापा भी यही कीपैड वाला ऐसे ही चलाते हैं, मम्मी के पास भी यही है। तो इसको सुखाया था अच्छे से ताकि इसकी बैटरी ना फूल जाए, सुखाने के बाद पूरा अच्छे से अंदर था, उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ। मुझे लग रहा है साइड ठीक हो अभी। और ये बहुत रो रहा था बाहर घूमने के लिए, तो भाई अभी ये दोनों बच्चों को लेके जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ गली में घुमा देगा, क्योंकि बहुत रो रहे थे बाहर घूमने के लिए, और चिड़चिड़ा भी रहा था दवा वा खाने की वजह से, तो ये जा रहा है इन लोगों को घुमा के लाने थोड़ी सा। टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर चल रहा था देवो के देव महादेव, अभी एड आ गया है, तो मतलब वहाँ भी मैं ये सीरियल देखती थी। यहाँ तो कोई आगे की कहानी आ रही है, काफी आगे की, दंगल में आती है, दंगल चैनल में देवो के देव महादेव में, आएगा तो इसमें आगे की कहानी चल रही है कोई, तो वही देख रहे थे हम लोग। और खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो जल्दी खाना खा लेते हैं। और आज खाने में बना है क्या, और डिनर में बना है आज आलू और बरी की सब्जी, रोटी, प्याज है। आप लोग भी आ जाइए डिनर कर लीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को अभी एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।